हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सकता है देवी, दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूं। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना कोई यज्ञ वज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं, जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती हैं, कभी दान वापिस मांगती हैं। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं, चलो। जी स्वामी। अरे क्या कर रही हो स्वामी, गुस्सा करेंगे, छोड़ो स्वामी। अरे भैया कहाँ रुक गए, जल्दी चलो, जल्दी, अभी चटनी पीसनी है, चलो। अरे चलो, स्वामी गुस्सा कर रहे हैं, चलो। अरे छोड़ो भी। अरे देवी छोड़िए, अभी मुझे नारायण नारायण, छोड़ो। अरे चलो भैया चलो, छोड़ो भी। नारायण नारायण, अरे छोड़ो देवी, अभी आपके स्वामी नहीं है, हमारे दास है। नारायण 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 नारायण। कुछ करिए ना, मुनिराज मेरी कुछ सुनते हैं ना द्वारकाधीश, उन्हें रोकिए दीदी, उन्हें रोकिए। मैं भी क्या कर सकती हूँ सत्यभामा, और तुमने भी कुछ बिना सोचे विचारे द्वारकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपकी बात
ना मुनिराज डालेंगे ना ही द्वारकाधीश। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो अरे आप कर रहे हैं। चटनी पीस रहा हूं देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु? ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारिकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। हाँ? सेवक? हाँ। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक, ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। देवी, सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा इनकी पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूँ कि नहीं। हाँ हाँ, परंतु 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 कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं। नारायण नारायण। अवश्य, बल्कि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं। तो अब आप बताइए ऋषिवर, कि आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति को अपना दास बनाकर कैसे ले आए? बताइए बताइए, मेरे पति पर आपका क्या अधिकार है? आपके पति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है देवी। ठीक, इसीलिए इसीलिए मैं अपने पति को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलिए स्वामी। नारायण सेवा चटनी। हाँ, चटनी। अरे चटनी। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा, इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तनिक चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ। क्या चटनी है? हाँ। ना इसमें नमक है, ना मिर्ची है। हाँ? अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास।
ले चलिए गैया को चारे में खिला देंगे, चटनी पीसेंगे। अब चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए, चलिए आइए आइए, चलिए चलिए। ये देखिए ये क्या किया है आपने, देवी देवी। चलिए आइए प्रभु, चलिए। स्वामी नारायण नारायण, ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेली सत्यभामा के तो नहीं है, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं? हाँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती हैं, आपके हिस्से का नहीं। बिल्कुल। ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया, संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकी नाथ न सही, अर्ध त्रिलोकी नाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। क्या? हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ पांव आंख कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है, बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। अब क्या करें? अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देवी सत्यभामा कुछ तो कहिए, आप क्या दे रही हैं मुझे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ देवर्षि कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। इन त्रिलोकी नाथ में मेरा कितने हिस्से पर अधिकार है मैं तो ये भी नहीं जानती। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूं कि ये मेरे तो क्या किसी के भी नहीं है, और सबके भी है। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं, और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसी अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए, उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इसी क्षण अपने प्राण आपके चरणों पर लोछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण। नहीं देवी नहीं, आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता, वह तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो।
हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनीवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, मारिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी। तोल मार
प्रजापति की रानी कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। जाओ जाओ और लेकर आओ, और लेकर आओ, और लेकर आओ। चमकीले पत्थर तेरे अहम की भाषा बोल रहे हैं, रत्नों के कोश टटोल रही है तू, हर तेरा हृदय टटोल रहे हैं, को तोल रहे हैं, तोल रही तू श्री हरि को, हरि तेरी भक्ति को तोल रहे हैं। आपन जान के तो हे प्रभु तेरे अहम की ग्रंथियां खोल रहे हैं, आपन जान के तो हे प्रभु तेरे अहम की ग्रंथियां खोल रहे हैं। द्वारकाधीश वहीं की वहीं बैठे हैं। जाओ थोड़ा जेवर और लेकर आओ। मणि रत्नों के कोश जब अर्पण कर गई हार, तन के आभूषण बचे वो भी दिए उतार, नहीं रीझे करता
कुमारी कदीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। सत्यभामा केवल स्वर्ण से मुझे तौलना चाहती है, परंतु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूषणों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। वो क्या द्वारिकाधीश? नारी का मन, उसका समर्पण भाव, उसकी आत्मा। आभूषण तो केवल देह को सुंदर बनाते हैं देवी, मन को नहीं। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर बनाइए ना। वही तो कर रहा हूं देवी, क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी, वो मेरी छोटी बहन जो है। देखिए ना, अब तो उसने अपने अलंकरण भी आप पर चढ़ा दिए हैं। देवी, ये अलंकरण नहीं, ये सत्यभामा के अहंकार की बेड़ियां हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। ये तो उसके मन की शुद्धि का पहला चरण है। अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेड़ियां उतार दी हैं। अब तो प्रसन्न हो जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मिणी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आज्ञा प्रभु। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूं, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी। सत्यभामा, अभी सब कुछ कहां अर्पण किया है तुमने, ये देखो। लेश मात्र भी शेष है जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान, हर का यही विधान। ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा। एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा क्या उन्हें अर्पण कर दिया, अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे। धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। लो ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो, और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा, धन का अहंकार छोड़ो। ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएंगे।
है कृपा निधान, भक्ति भरे एक पात से हार गए भगवान, हार गए भगवान। नारायण 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 नारायण। लो प्रभु, जितना पाठ आपने मुझे पढ़ाया था उतना नाटक मैंने पूरा कर दिया। और कोई आज्ञा? अच्छा, तो इस नाटक के सूत्रधार आप ही थे? हाँ सत्यभामा, इस ब्रह्मांड में जितने नाटक होते हैं या हो रहे हैं उन सब का सूत्रधार मैं ही हूँ। देवी रुक्मिणी इस बात को भली भांति जानती हैं। अब समझी मैं, आपकी लीलाओं के रहस्य मुझे अब दीदी से ही जानने पड़ेंगे। देवर्षि, आपने मेरी अंतरात्मा को अहंकार के दोष से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि फिर कभी मेरी आत्मा में अहंकार का प्रवेश ना हो। देवी सत्यभामा, उसके लिए प्राणी को श्री कृष्ण की भक्ति का कवच पहनना पड़ता है और भक्ति भी यही प्रदान करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। नारायण 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 नारायण। कन्हैया 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 कहाँ गया होगा? हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं इससे मिलने आता हूं यह कहीं और चला जाता है। कन्हैया कहाँ हो तुम? मैं यहां हूं दाऊ भैया। कहां थे तुम कन्हैया? हाँ, मैं जितनी जोर से गदा नहीं चलाता हूं उतने जोर से तुम्हें पुकार आता, फिर भी तुम नहीं आए। मैं अपनी कक्ष में था दाऊ भैया। कक्ष में थे? कक्ष में थे तो मेरी पुकार सुनकर तुम आए क्यों नहीं? मुझे आपकी पुकार सुनाई नहीं दी दाऊ भैया। दाऊ भैया आसन तो ग्रहण कीजिए। आप मुझसे नाराज हैं दाऊ भैया? मुझसे भूल हो गई दाऊ भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं, आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे स्वीकार होगी। दाऊ भैया, इसका अर्थ है कि आप मुझ पर नाराज नहीं हैं? अरे कन्हैया, तुम पर नाराज होने का अर्थ है अपने आप पर नाराज होना। तो आपके चेहरे पर वो भाव? वो एक नाटक का अंश था। नाटक? कन्हैया, मैंने सोचा कि हमेशा तुम ही नाटक करते हो, क्यों ना आज मैं भी नाटक कर लूं? क्यों, कैसा रहा मेरा नाटक? मैं तो मन ही मन आतंकित हुआ था। आपके चेहरे पर जो भाव थे उससे तो लग रहा था कि आप बहुत गुस्से में थे। और ये गधा भी तो साथ में लेकर आए थे। गधा? गधा?
अब हमें ये नाटक हर रोज करने होंगे कन्हैया, हर रोज। दाऊ भैया ने समझा नहीं। अरे कन्हैया, अब हमें कभी प्रेम का तो कभी गुस्से का अभिनय करना होगा। हाँ? अब हमें कभी घोड़ा बनना होगा, कभी हाथी बनना होगा। कन्हैया, अब हमारे ये महल खुशी से झूम उठेगा। कन्हैया झूम उठेगा। दाऊ भैया। हाँ। अरे कन्हैया, अब मैं और तुम, यानी के तुम और मैं, हम दोनों मामा बनने वाले हैं। मामा? हाँ। इसका अर्थ ये है कि हमारी बहन सुभद्रा गर्भवती है। अरे ये तो बहुत शुभ समाचार है, है ना? परंतु ये समाचार देने के लिए आप हाथ में गदा लेकर क्यों आए? गदा? हाँ। कन्हैया, वो असल में क्या हुआ, मैं अखाड़े में गदा चला रहा था, वही प्रतिहारी ने मुझसे आकर कहा कि इंद्रप्रस्थ से कोई दूत आया है। मैंने उसे वहीं बुला लिया, वहीं उसने मुझे यह शुभ समाचार सुनाया, और वही शुभ समाचार मैं तुम्हें सुनाने यहाँ भागा भागा चला आया। कन्हैया, मैं इतना उत्तेजित था कि मैं भूल गया कि गदा वही अखाड़े में छोड़ देना चाहिए। परंतु दाऊ भैया, इस तरह ये गदा लेकर आप हमारे प्यारे प्यारे भांजे के सामने जाओगे ना, तो भय के मारे रो पड़ेगा। अरे वाह, गदा देखकर क्यों रो पड़ेगा? कन्हैया, तुम भूल रहे हो कि हमारा भांजा एक वीर पुत्र है, और फिर उसके दोनों मामा भी तो महावीर हैं। हाँ। कन्हैया, मैं तो कहता हूँ कि हमारा भांजा मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलेगा ही नहीं। हाँ। वो तो धनुष और गदा जैसे खिलौनों से खेलेगा। कन्हैया, मैंने तो तय कर लिया है। क्या तय कर लिया दाऊ भैया? यही कि मैं अपने भांजे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनाऊंगा। मैं उसे गदा चलाना सिखाऊंगा, और अगर सीखते सीखते उसने कोई गलती की तो मैं उसे ऐसे डांटूंगा कि वो रो पड़ेगा। अरे हाँ, और जब वो रोएगा तो मैं उसे मनाने के लिए मुरली बजाऊंगा। वाह वाह वासुदेव वाह। दाऊ भैया, आप और वासुदेव कल्पना रंजन भी अच्छा कर लेते हैं। रुक्मिणी, इसी कल्पना रंजन को हम वास्तव में बदलना चाहते हैं। हाँ। अरे दाऊ भैया, परंतु आप तो कल की सोच रहे हैं और आज का वास्तव आप भूल रहे हैं। आज का वास्तव क्या है? आज का वास्तव, आज का वास्तव ये है कि मेरी प्यारी ननद रानी सुभद्रा गर्भवती है। ये शुभ समाचार तो हमें पहले ही मिल गया है। समाचार तो आपने आधा ही सुन लिया है प्रभु। आधा मतलब? मतलब ये कि इंद्रप्रस्थ में सुभद्रा की गोद भरने का समारोह होने वाला है। दूत उसी का संदेशा देने आया था। आप दोनों ने केवल इतना सुन लिया कि सुभद्रा गर्भवती है, बस। दाऊ भैया, आप तो भांजे को गदा चलाने की शिक्षा देने लगे, और ये महानुभाव मुरली से उसे प्रसन्न करने निकले थे। अरे अब हमें तैयारी करनी चाहिए इंद्रप्रस्थ हमारी ओर से किसी को भेजने की। अब तैयारी करनी चाहिए मेरी प्यारी ननद रानी सुभद्रा का सम्मान करने की, उसे भेंट भेजने की। हाँ। कन्हैया, अब हम दोनों तो ये सब भूल ही गए। हाँ दाऊ भैया, हम तो अपने भांजे के आगमन के कल्पना रंजन का आनंद ले रहे थे। कन्हैया, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अक्रूर जी को ये सारे भेंट वस्तुएं लेकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दूं। आपका उचित निर्णय दाऊ भैया। वो सारा सामान जिसे हमारी ओर से इंद्रप्रस्थ भिजवाना है उसे जल्दी से भिजवा दीजिए, ताकि गोद भराई के समारोह तक समय से पहुंच जाए। अवश्य दाऊ भैया।
झूठ